केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। 6 बालिग महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया है। WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। महिला पहलवानों की ओर से दायर FIR पर ये चार्जशीट दायर हुई थी। पुलिस ने चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ी IPC की धारा 354, 354A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109, 354, 354A, 506 के तहत आरोप लगाए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए देश के शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट जंतर मंतर पर अप्रैल के महीने में दूसरी बार प्रदर्शन करने बैठे थे। नई दिल्ली के उद्घाटन के मौके पर पहलवानों ने संसद तक मार्च करने का निर्णय लिया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था। जंतर मंतर में से पहलवानों का सामान भी हटा दिया गया था। इसके बाद पहलवान अपना मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया था। अब सभी पहलवान अपने अपने घर पर हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया को कुश्ती का अखाड़ा बना दिया था, लेकिन अब सभी पहलवान सोशल मीडिया से दूर हो गए हैं। लेकिन पहलवानों का कहना है कि वो अभी भी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।